जैसलमेर के पोखरण में राहत की खबर सामने आई है। यहां 34 कोरोना पॉजिटिव सामने आए थे, जिनमें से 30 मरीजों की रिपोर्ट निगेटिव आ चुकी है। इन्हें जोधपुर से डिस्चार्ज कर पोखरण भेज दिया गया है। इनमें 15 माह का बच्चा भी शामिल है। डॉक्टर अरुण शर्मा ने बताया कि पोखरण प्रशासन और चिकित्सा विभाग कोरोना वायरस को लेकर अलर्ट है। कोरोना से सबसे अधिक प्रभावित वार्ड नंबर 2 और 4 में हर घर से एक व्यक्ति की कोरोना जांच की जा रही है। रिपोर्ट आने तक उन्हें आइसोलेशन में रखा जा रहा है। पोखरण शहर में जो पहले स्प्रेड हुआ था वार्ड नंबर 1, 7 और 8 में, वहाँ से रैंडम सैंपलिंग के बाद में आज अब ये वार्ड नंबर 2 और वार्ड नंबर 4 से रैंडम सैंपलिंग ली जा रही है, जिससे कि यहाँ पर यदि इसका कोविड-19 का स्प्रेड है तो उसका पता चल सके। और इसके लिए मैं यहाँ के पोखरण की जनता को धन्यवाद दूंगा कि उनका बहुत ही कोऑपरेटिव बिहेवियर मिल रहा है हमें और सभी इसमें सहयोग कर रहे हैं। इसके लिए पोखरण की जनता बहुत बहुत धन्यवाद की पात्र है और इसी की वजह से ये आपके सहयोग की वजह से, जनता के सहयोग की वजह से वार्ड नंबर 1 के बाहर कोई केस नहीं और 34 केस जो लास्ट यहाँ मिले थे, हम डॉक्टर की टीम्स के साथ में पुलिस प्रशासन पूरा सहयोग कर रहा है और उसमें सबसे बड़ा सहयोग जनता का है। जनता खुद चाहती है कि हमारे यहाँ से ये कोविड-19 जल्दी से जल्दी